गैरग्लास में शीतलहर व कड़ाके की ठंड के चलते विगत वर्षों नगर पंचायत के द्वारा नगर के मुख्य चौराहा पुरानी तहसील रोड स्थित आर्य समाज मंदिर, रोडवेज बस अड्डा, पथवारी मंदिर, गोंडा मार्ग, तिराहा सहित इत्यादि प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाए जाते रहे हैं। लेकिन इस वर्ष एक माह पूर्ण हो चुका है, लेकिन नगर पंचायत इगलास के द्वारा कहीं भी अलाव जलाए जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दूर दराजों से आने जाने वाले यात्री एवं तीर्थ यात्री अलाव खोजते देखे गए, लेकिन कहीं भी अलाव ना होने पर शीतलहर में कपकपाते हुए अपने मुकाम तक पहुंचते दिखाई पड़े, जहां एक ओर नगर पंचायत और प्रशासन अपनी वाहवाही करने में कसर नहीं छोड़ता है, वहीं ग्राउंड जीरो इनकी सच्चाई को उजागर करता हुआ दिखा रहा है। नगर पंचायत तो नहीं किया है, तो नहीं है भाई। हमें क्या मालूम है, क्या बात है, चेयरमैन पूछो, शासन द्वारा पैसा मंजूर हुआ है। अपने जिंदे से कर रहे हो और ऐसा क्यों? क्या चीज़ चेयरमैन? आपने चेयरमैन को क्यों चुना था? पूरा सामने दुनिया ने चुनो, इस उद्देश्य से चुना था। क्या चीज़ तो भैया पूछो भैया, और आप कहीं नहीं चल रहे? हाँ ही आना है तो काउ के आना है, जाने में चलता थाड़ी देखो। आप जाते होंगे सोया की तरफ? बिल्कुल ना है, सोया की तरफ, बसंती की तरफ बसंती पर ना जाते साहब, चौराहे पर अलाव ना है बिल्कुल। जब प्रातः दर्पण न्यूज की टीम द्वारा इगलास नगर में भ्रमण किया गया तो सच को सामने पाया और देखा कि नगर के मुख्य चौराहा जैसे रोडवेज बस अड्डा, मां पथहारी मंदिर, गोंडा मार्ग तिराहा आदि स्थानों पर कहीं भी अलाव नहीं जलाए गए हैं और ना ही इस सर्दी से बचने के लिए कोई व्यवस्था नगर पंचायत या प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए इगलास से इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट।